पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में बेटी की ससुराल पहुंची मां की, उसके सगे बेटे ने ही धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। मामला यह है कि न्यूरिया थाना क्षेत्र के हिम्मतनगर निवासी महिला गोमती देवी 65 वर्ष पत्नी लक्ष्मण प्रसाद अपने पति की मौत के बाद पेंशन की रकम से अपना भरण पोषण कर रही थी। सरकारी नौकरी में पिता की मौत के बाद बड़े बेटे को वह नौकरी मिली। वही छोटा बेटा रूपलाल बिगड़े किस्म का था और वह हमेशा अपनी माँ से पैसों के लिए झगड़ता। एक दिन जब गोमती देवी अपने बेटी के ससुराल पहुंची तो आरोपी रूपलाल भी वहां पहुंचा और माँ से पेंशन की रकम देने की जिद करने लगा। रकम नहीं मिली तो उसने बंके से वार कर अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही आरोपी बेटे के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी तलाश जारी है। बिठौरा थाने के रहने वाले श्री ब्रजलाल सावित्री देवी के पति हैं। सावित्री देवी की मां उनके साथ बिठौरा थाने में उनके गांव में रहती थी, जो मूलतः हिम्मत नगर न्यूरिया थाने की रहने वाली थी। पति के देहांत के बाद वो पेंशन धारी थी और उनकी बाके से गले पे प्रहार करके हत्या हो गई है बिठौरा गांव में, जिसके बाबत गजरौला थाने में उनके नतका के दामाद के द्वारा मुकदमा लिखाया गया है और शीघ्र ही मुलजिम की गिरफ्तारी करी जाएगी। नशे के आदि के बारे में बताने की बात अभी पुष्ट नहीं हुई है, परंतु उनका सबसे छोटा लड़का रूपलाल नाम है, जिसके द्वारा ये अपराध कार्य किए जाना बताया जा रहा है। बाद अभियोग पंजीकृत करने के बाद विवेचना की कार्रवाई और पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है। जो पैसे मांगते थे तो अभी इन्हें 1,000 दिए, कभी 2,000 दिए और कभी इन परसों वाले दिन मांगे इन्हें 400 रुपए दिए, मांगे तो 400 रुपए दिए और कल 100 रुपए मांगे तो 100 रुपए जब उन पे है नहीं तो वो उनके बैंक से लाए कि हम तुझे पैसे दे देंगे। बस इतने ही रंजिश रख ली उनने। ये इनका लड़का था, फिर वो गर्दन काट दी उसकी, नहीं पकड़ा नहीं अभी।